Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी जो बहुत ही आसान है, मसाला भिंडी जो बहुत बनाने में भी बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार। आपने आम भिंडियाँ तो खाई ही होंगी, कटी हुई भिंडी, भरी हुई भिंडी, आज मैं आपको सिखाऊंगी मसाला भिंडी। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे जीरा। जीरे को हमें हल्का सा फ्राई करना है कि वो अपना कलर चेंज कर ले। जीरा अपना हल्का सा कलर चेंज कर ले तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अदद प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज को हमें इस ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करना है। प्याज बिल्कुल अपना कलर चेंज कर ले, सुनहरी हो जाए जब तक हमें इसको फ्राई करना है। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है हम दूसरी साइड अपना बाकी मसाला रेडी कर लेते हैं जो इसमें डालना है। एक पैन में हम सबसे पहले जीरा और धनिया डाल के इसको हमें भूनना है। ये इस रेसिपी की का आप समझ लें कि खास इंग्रेडिएंट है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जीरे और धनिए को हम भून लेंगे एक पैन के अंदर। और धनिया में से देखें खुशबू आना शुरू हो गई है, ये अच्छी तरह रोस्ट हो रहा है। और अब हम इसे, यहाँ रोस्ट हो चुका है, अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको देखें बिल्कुल हमें बारीक पीस लेना है। जीरा धनिया हमारा बिल्कुल पिस चुका है, इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरह से रखना है। ये तकरीबन हमने 2 टीस्पून लिया है, ठीक है। हमारी प्याज अभी भी फ्राई हो रही है। साथ हम इसका अच्छा हम साथ साथ अब इसका मसाला तैयार करेंगे। हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर डालेंगे और इसको हमें ग्राइंड करना है। और इस टमाटर के साथ साथ हम इसमें बाकी मसाले भी शामिल करेंगे, जैसे 1 स्पून हमने इसमें डाली है पिसी हुई मिर्च, आप अपने हसबे जायका भी डाल सकते हैं, और पिसा हुआ धनिया वो भी 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, साथ में नमक भी हसबे जायका। अब हमें इन टमाटरों को और सारे मसालों को पीसना है थोड़े से पानी के साथ। 1/2 कप से भी कम मैंने इसमें पानी डाला है, आप जितनी नीड हो आप उतना डाल सकते हैं। देखें हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, इस फॉर्म में आपका मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको मसाला बना के एक साइड रख देना है। जी तो अब हम प्याज की तरफ वापस आएंगे। प्याज अप्रॉक्स हो ही चुकी है, अब हम इसके अंदर भिंडी भी शामिल करेंगे और भिंडी को भी हमें इसके साथ फ्राई करना है। प्याज भिंडी के साथ थोड़ा और फ्राई हो जाएगी। अच्छा, भिंडी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर जो एक लेस होता है वो ख़त्म ना हो जाए, फिर ही भिंडी का असल मज़ा आता है। भिंडी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फ्राई हो रही है, अभी हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे। आपको साथ साथ चेक करते रहना है कि इसमें से जो लेस है या जो तार बनता है लेस का वो बिल्कुल ना हो, वरना भिंडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बनती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती।
और साथ ही साथ अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को भी इसके साथ फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें आप साबुत भी डाल सकते हैं और एक हरी मिर्च के दो टुकड़े भी करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो मैंने साबुत डाली हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका तार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल फ्राई हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये मसाला, ये पेस्ट जो हमने टमाटर और बाकी मसाले डाल के बनाया था। और हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है इन भिंडियों के साथ। अच्छा, हमें इसको जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसको दम लगाना है। हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ताकि ये इसकी स्टीम में अच्छे से गल भी जाए। अच्छा, फ्लेम आपको बिल्कुल हल्का रखना है जैसे दम के लिए हम लगाते हैं। अच्छा, हम अपनी भिंडियाँ चेक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये हमारी भिंडियाँ तकरीबन तैयार हैं, लेकिन इसकी खुशबू के लिए हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे जिससे इसकी मज़ा और खुशबू दोबाला हो जाएंगे। इसके अंदर जो हमने धनिया और ज़ीरा भून के पीसा था वो शामिल कर लेंगे। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ और हम इसको दोबारा दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी, तो मुझे लगता है हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आइए इसको सर्व करते हैं। जी, तो बहुत ही यम्मी सी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी भिंडियां बिल्कुल तैयार हैं। मसाला भिंडी हमारी बहुत ही कलरफुल सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही कलरफुल लग रही हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।